और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं रायपुर की तरफ, जहां पर ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 आरोपियों को अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया है। महादेव ऐप वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, छिंदवाड़ा, भिलाई और दुर्ग में टीम भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों के अंतरराज्यीय स्तर पर गिरोह के संलिप्तता की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खाते में करोड़ों रुपए के लेनदेन का हिसाब है। जांच में 500 से अधिक खातों की जानकारी मिली है। पुलिस ने लगभग 100 एटीएम कार्ड के अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। सटोरियों के कब्जे से 24 लैपटॉप, 75 मोबाइल, 4 राउटर और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। सेटिंग से रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले ही महादेव ऐप से संबंधित लोगों पर कार्रवाई हुई थी। उसमें जो जानकारी मिली थी कुछ उसके आधार पे और नई जानकारी जो प्राप्त हुई थी उसकी बेसिस पे पिछले 2 दिनों के अंदर 28 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड, झारसुगुड़ा से, टिटलागढ़ से, छिंदवाड़ा से और भिलाई से, रायपुर से, अलग अलग जगहों से।